ये मारवाड़ी स्पेशल बेसन के पितौड़ की सब्जी यहाँ पे बिल्कुल बनके तैयार है हमारी। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, तो आप इस तरीके से एक बार ये सब्जी घर में ज़रूर बनाइए, खाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासुमा किचन चैनल को जरूर जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे फासुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मारवाड़ी स्पेशल बेसन के पितौड़ की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक कटोरी बेसन, दो बड़े कांदे कटे हुए, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, लहसुन थोड़े से छीले हुए, अदरक हमने एक टुकड़ा कट करके लिया है, दो हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च 3 से 4, एक बड़ा टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, और ये थोड़ा सा तेल लिया है, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हमने गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई रखेंगे गैस पर, पितौड़ का हम मसाला तैयार करते हैं। तो कढ़ाई को अब हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो अब हम इसमें तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तो देखिए तेल अब गर्म हो चुका है, तो इसमें हम कटा हुआ कांदा डालेंगे, उसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कांदे को हमें अच्छे से भून लेना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए जब तक। तो देखिए कांदा हमारा अच्छे से फ्राई कर लिया है हमने, इसका कलर भी हल्का सा ब्राउन कर लिया है। तो अब हम इसमें कटा हुआ अदरक, छिले हुए लहसुन, दो हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें हम इसमें एक साथ डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक इसमें भून लेंगे अच्छे से। 2 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से हमने सारी चीज़ें इसमें भून ली है। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे कटा हुआ, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हम 2 मिनट तक इसके साथ अच्छे से भून लेंगे, ताकि टमाटर जो है थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए। तो देखिए 2 मिनट हमने टमाटर को भून लिया है, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इन सारे मसाले को अब हम एक प्लेट में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक बाउल ले लिया है यहाँ पर, जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है हम पितौड़ तैयार कर लेते हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं बेसन, थोड़ा सा बेसन हम बचा लेंगे ताकि हमें बाद में यूज़ करना है इसे। अब हमें इसमें डालना है थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ताकि पितौड़ जो है वो फीके ना लगे हमारे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। तो देखिए हमने तेल, लाल मिर्च पाउडर और नमक अच्छे से बेसन में मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो बना लेंगे बेसन का। बस जितना हमें पानी यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा ही करके अच्छा सा एक डो बना लेना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है डो। तो देखिए बेसन का डो हमने यहाँ पर बना लिया है बहुत ही अच्छा सा, इसको हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है। तो देखिए हमने अच्छे से इसे थोड़ा सा कड़क टाइप बनाया है। तो अब हम इसे इस तरीके से रख देते हैं, हाथों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे पहले। अब हमने हाथों को अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा बेसन लगता है हाथों में, तो ये पितौड़ जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो हाथों में चिपक कर बेसन पूरा पितौड़ हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है हाथों पर, और अब हम इसे इस तरीके से उठा लेते हैं डो को। तो अब ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। अब हम इसकी लोई बनाएंगे, तो इतने बेसन में हमें 3 लोई बना लेना है। तो हमने 3 लोई बनाकर यहाँ पर ले ली है। अब हमने जो सूखा बेसन रखा था उसे हमें यूज़ करना है यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम इसमें डाल लेंगे। हमने यहाँ पर बोलपाट ले लिया है, एक लोई हम ले लेते हैं हाथ में, इसे इस तरीके से हम राउंड करके देखिए रोटी की तरह इसका बना लेंगे एक पेड़ा। अब सूखे आटे में सूखे जो बेसन हमने लिया है उसमें इसे डिप करके इस तरीके से रख देंगे। अब हमें इसे बेल लेना है, तो हमें इसे अब बिल्कुल रोटी की तरह बेलना है, ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं करना है इसे, बस इसका हमें
अच्छे से एक रोटी बना लेनी है, बीच बीच में चिपकते रहेगा, तो इसमें हमें सूखा जो हमने बेसन लिया है बस वो लगाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं। तो देखिए हमने इसे एक रोटी बना ली है, ज़्यादा बड़ी नहीं करी है वरना टूट जाएगी, क्योंकि बेसन जो चिपकने लगता है जल्दी, तो सूखा बेसन डाल के थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर से लगा लीजिए। और अब हम इसे कट कर लेंगे, तो आप इसे एक अच्छा सा शेप दे सकते हैं। तो देखिए इसे हम इस तरीके का पितोड़ का शेप दे देंगे। देखिए पितोड़ हमने यहाँ पर अच्छे से काट लिए हैं, इसे अब हम प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम इसे इस तरीके से हाथों से उठा लेंगे और इस तरीके से प्लेट में रख देंगे। तो अब हम सारे पितोड़ निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए पितोड़ हमने निकाल लिए है प्लेट में, तो इस तरीके से अब हम सारे पितोड़ बना लेते हैं। जो हमारे दो लोई और बचे हैं उसके भी हम इसी तरीके से पितोड़ बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सारे पितोड़ बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसका मसाला देख लेते हैं जो हमने ठंडा होने रखा था। मसाला अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है, हमने मिक्सर का बर्तन ले लिया है यहाँ पर। अब हम मसाला इसमें डाल देंगे। टमाटर थोड़े से ज़्यादा लेना होता है क्योंकि मारवाड़ी डिश है, तो मारवाड़ी डिश में टमाटर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने टमाटर थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। और अदरक लहसुन भी हमने इसी में डाला है, अलग से पेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि मसाले में अच्छा सा अदरक लहसुन का फ्लेवर आ जाता है जब हम अदरक लहसुन मसाले में डालकर ही फ्राई करके पीसते हैं। तो अब हम इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए हमारा मसाला यहाँ पर बिल्कुल बारीक पीसकर अब तैयार है। गैस ऑन करेंगे और सिम कढ़ाई जिसमें हमने मसाला फ्राई किया था वो रख देते हैं और उसे गर्म होने देंगे। कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है तो इसमें हम तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल अब गर्म हो चुका है तो उसमें हम ये पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा हम मिक्सर के बर्तन को धोकर डाल देते हैं ताकि जो मसाला इसमें चिपका है वो निकल जाए। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा भुना हुआ मसाला है फ्राई किया हुआ, तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसे हमें जब तक ये तेल छोड़ दे तब तक इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए मसाले ने तेल छोड़ना चालू कर दिया है, मतलब हमारा मसाला अब बिल्कुल तैयार है। तो इसमें अब हम सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, और सूखी लाल मिर्च भी हमने डाली है, इसलिए आप लाल मिर्च आपके टेस्ट के अनुसार ही डालिए। तो देखिए अब हमने यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर और ये हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, नमक जो कि स्वाद के अनुसार, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक मिनट तक सारे मसाले अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए एक मिनट तक हमने सारे मसाले इसमें भून लिए हैं, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो एक गिलास पानी हमने डाल दिया है इसमें, आधा गिलास हम और डालेंगे। तो देखिए आधा गिलास हम पानी और डाल देते हैं ताकि हम जब इसमें पितोड़े डालेंगे तो ये सब्ज़ी जो है वो गाढ़ी ना हो जाए, थोड़ी सी पतली सब्जी हमें इसकी रखनी है। तो देखिए हम इसे अब अच्छे से पानी को मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढक कर रख देते हैं जब तक कि ये अच्छे से उबलने ना लगे। तो देखिए अब हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं, तो हमने मसाले का जो रसा तैयार किया है वो बिल्कुल अब अच्छे से उबलने लगा है। अब हम इसमें ये पात जो हमने बना के रखी है वो डाल देते हैं पटोड़ी। तो इसमें हम एक एक करके ये पितोड़े डाल देते हैं, एक एक करके हम इस तरीके से सारे ही डाल देंगे। सारे बेसन के बने हुए पितोड़े हमने डाल दिए हैं रस्से में, तो अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे, बहुत ही जल्दी ये पक जाएंगे। तो देखिए अब हम ढक्कन हटा लेंगे और देखिए बहुत ही अच्छे से जो पितोड़े हैं हमारे अब अच्छे से पक चुके हैं, ज़्यादा इसे टाइम नहीं लगता है पकने के लिए, बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया और इसे हम
एक मिनट के लिए बंद करके रख देते हैं ढक्कन, ताकि गरम मसाले का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए सब्जी में। तो देखिए एक मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटा लेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा अच्छा सा खुशबू आ रहा है अब पितौड़ की सब्जी में से। तो अब हमारे मारवाड़ी स्पेशल बेसन के पितौड़ बन के तैयार है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकालते हैं और सर्व करेंगे। ये मारवाड़ी स्पेशल बेसन के पितौड़ की सब्जी यहाँ पे बिल्कुल बनके तैयार है हमारी। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आप इस तरीके से एक बार ये सब्जी घर में ज़रूर बनाइए, खाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। Да, 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 да